पक्ष के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है, और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। द परिनिर्वाण टेम्पल वेयर reclining statue of Lord Buddha is there and he will offer prayer and he will offer chivardan and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha and Buddhist monk is helping him to offer prayers and dhyana. दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। टू द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑफरिंग रेस्पेक्ट एंड नाउ चीवरदान दैट इज रोब रोब एंड नाउ ही इज बीइंग ऑफर्ड ही इज बीइंग फेलिसिटेटेड बाय द मॉन्क बुद्ध मॉन्क एंड इज एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स विद हिम। अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं। और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धे तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, दिस इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन बुद्ध रिलीजन एंड the prime minister is offering chivardan to lord buddha with the help of buddha monks. handadani bhikkhave amantyami vo vayadhamma sankhakara appamaden sampadesha। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदानी भिक्खवे आमंत्रणि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझमें है, सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें, आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। यस, व्हाट एवर इज एग्जिस्टिंग, व्हाट एवर यू सी इज हैपनिंग इज पेरिशेबल and that will finish sometime and you should avoid splurge and you should avoid overacting and overjoying। राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की तीन मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो उनके
पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहाँ पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर चिंतन मुद्रा है आगे, जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to lead a simple life. That is, we are waiting for. तथागत की परनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। ऑल दीज थ्री पोस्चर्स मिस्टर मोदी इज बीइंग ब्रीफ्ड अबाउट बाय द मॉन्क, बुद्धा मॉन्क। And now he is feeling himself that he has got the knowledge about Lord Buddha so much, and he is feeling so happy. He has expressed gratitude and यहां प्रस्तुत now coming out. बौद्ध भिक्षुओं ने अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाओ ऋषि पत्तन मृगदाओ यानी सारनाथ में दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भाग है। और आज काशी पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, और साथ ही साथ कुशीनगर को नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहाँ पर आगमन हुआ है, तो कुशीनगर और सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के बेहद आराध्य और श्रद्धेय स्थल है, उन दोनों का भी सम्मिलन हो रहा है सांकेतिक रूप से। सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाओ, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोधगया, ये चार स्थल ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा श्रद्धापूर्वक देखा जाता है समूचे बौद्ध धर्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही नहीं सिमटा, बौद्ध धर्म बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने की क्षमता है भारतीय मेधा में, भारतीय परंपरा में। हमने हथियारों के जरिए भूभाग कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की, शतशत लोगों के हृदयों को जीतने का हमने निश्चय किया। और ये प्रमाण है कि अब कोटि कोटि रूपों में अनेकों देशों में, चाहे बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, कंपूचिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, ताइवान, अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के असंख्य अनुयायी हैं और जिनके आराध्य की स्थली, अंतिम चिर विश्राम स्थली के रूप में आने की लालसा होती है कुशीनगर पहुंचने की, और जो कि भारत से, समूचे भारत को जोड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया से, और भारत की उस गौरवशाली जगतगुरु परंपरा